बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग एंड स्टिचिंग। कैसे हैं व्यूवर्स, आप खैरियत से हैं? आज मैं आपको आस्तीन का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए व्यूवर्स, मेरी आस्तीन की चौड़ाई तकरीबन 13.5 इंच है। मैंने एक प्रेस बुकरम की पट्टी ली तकरीबन 1.5 इंच, और ये मैंने वही 13.5 इंच जितनी मेरी आस्तीन की चौड़ाई होगी उसी के बराबर मैंने 1.5 इंच पे बुकरम ली और उसको फिरोजी कपड़े पे प्रेस कर लिया। ये हमने एक लंबी पट्टी ली, कितनी भी आप लंबी ले लें, हमें इसमें काटना है, सिर्फ कटिंग करनी है 1.5 इंच ही, तकरीबन 1.5 इंच होगी ये। इसको मैं यहाँ से काट लूँगी, या पौने दो भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा हो जाए कम ना हो। इसको अब मैं इस तरह से सीऊंगी। चलिए तो हम मशीन पे चलते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैंने इस पट्टी को फोल्ड करके और एक बुट के फासले से सिया, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा रखा। इसको मैं पूरा सी लूँगी। इस पट्टी की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, मतलब 1.5 इंच चौड़ाई, और लंबाई में आप जितनी भी लंबी ले लें, हमें इसकी पट्टियाँ काटनी है खाली। देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 30 इंच की, ये देखिए 30 इंच की ये पट्टी 1.5 इंच की लेके मैंने फोल्ड की और मैंने इसको पूरी सिलाई कर दी। अब मैं इसको पलटती हूँ। मैं आपको पलटने का तरीका बताती हूँ, आप चाहे कैंची से पलट लें या पेन से या इस सुई से। इस तरह हम टाका लेते हैं, 4 तह का धागा डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और ये हमने पक्का कर लिया। अब हमने उल्टी तरफ से सुई को इसके अंदर डालेंगे और सीधे यूँ लेते जाएंगे। ये ले रही, मैंने दूसरे किनारे से इसको निकाल लिया, धागा मैंने यहाँ कर लिया, और यहाँ मैंने आहिस्ते आहिस्ते इसको उल्टी तरफ करा, और यूँ मैंने, देखिए ये पूरी यूँ आराम से, इधर से ज़्यादा कुट्टर नहीं होने दें आप, ताकि आराम से ये पलटी जाए, पूरी पलटी। ये देखिए, ये यहाँ से आया, अब इसको आराम आराम से पूरी पट्टी पलटती गई। जो जोड़ का हिस्सा है वो मैं यूँ नहीं रखूँगी, बल्कि इसको मैं सेंटर में दूँगी और मैं इसकी क्रीज जमा लूँगी, पूरी मैं इसको प्रेस कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने प्रेस कर ली सेंटर में पूरी इस पट्टी को, यहाँ से मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा आ गया। अब मेरी जितनी मैंने बुकरम प्रेस की थी सी ग्रीन कपड़े पे, तकरीबन ये 1.5 इंच की थी, ये देखिए, तो मैं 1.5 इंच की पट्टियाँ काटूँगी। ये देखिए, हर तरफ से मैं 1.5 इंच काटूँगी। ये देखिए, इस तरह मैं सारे कपड़े पे निशान लगाऊँगी और मैं 1.5 इंच की पट्टियाँ काट लूँगी। देखिए, मैंने इस पट्टी पे जो प्रेस बुकरम पे मैंने प्रेस करी थी सी ग्रीन पे, ये मेहरून पट्टियाँ मैं इस पर सिलाई करके लगा रही हूँ। एक बुट के फासले से, एक बुट का हमें ये रखना है, एक बुट में हमारा कपड़ा दबाव बना रहा है, और मैं सारी पट्टियाँ इसी तरह लगाती हुई चली जाऊँगी। देखिए व्यूवर्स, मैंने दोनों तरफ से इधर से भी सिलाई लगाई पट्टियों पे और इधर से भी सिलाई लगाई। अब मैं इसको अपनी आस्तीन पे इस तरह मोड़ूंगी, कढ़ाई पे पूरी मैं सिलाई चला के इसको इस पर कवर कर दूंगी। देखिए, मैं अपने इस पर अंदर रख के इसको मोड़ रही हूँ कि मेरी कढ़ाई है ये, इसको मैं इस तरह ले रही हूँ कि मेरी कढ़ाई भी नज़र आए। सारी पट्टियों में मैं इसको आखिर तक इसी तरह सी दूंगी। देखिए व्यूवर्स, अब मैंने इसी के हिसाब से एक सी ग्रीन पट्टी ली, इसको मैं एक साइड से पूरी हूँ फोल्ड करके सी लूँगी। ये देखिए, मैंने इस पट्टी को सिर्फ एक तरफ से सिया है, दूसरी तरफ से नहीं सिया। अब मैं इस पट्टी को उल्टा रखूँगी और मेरी प्रेस बुकरम का साइड भी उल्टा, और मैं इसको तकरीबन एक बुट का फासला रखूँगी और आखिर तक मैं
इसको सीधी चले जाऊंगी पाइपिंग बनाने के लिए। देखिए मैंने अपनी पट्टी लगा ली पाइपिंग, अब मैं इसको यूं मोड़ के और इस तरह करूंगी, ये मेरी पाइपिंग बन जाएगी। इसके ऊपर मेहरून पट्टी पे मैं सिलाई चलाऊंगी। मेरी सिलाई मेहरून पट्टियों पे आएगी, सी ग्रीन पे नहीं आएगी। और मैं आखिर तक अपने, ये देखिए मेहरून पे आ रही है, आखिर तक मैं इसको इस तरह सीती हुई ले जाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सेंटर से मैंने इसको उठाया और इस वाले सेंटर से इसको यूं करके इस तरह मैंने इसमें पक्का करा। इस तरह इसको पक्का कर लिया, चुटपुटी सी बन गई है। ऐसी चुटपुटी सी बन गई है, फिर हम इसके अंदर सुई के अंदर हम मोती को डालेंगे। ये इसका सुराख इसके अंदर हमने डाला और हमने इसको दोबारा इसमें डाला ताकि ये मज़ीद पक्का हो जाए। ये देखिए इसके इस तरह ही आएंगे सारे, और फिर हमने इसको दोबारा पक्का कर दिया और धागे को हमने यहाँ से कट कर दिया पक्का करने के बाद, ताकि ये मोती खुले ना। ये लीजिए इस तरह हम अपने सारे करते हुए चले जाएंगे, मोती टाँकने का ये तरीका है। देखिए व्यूअर्स, मैंने ये सारे मोती इस तरह लगा लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।